शाहपुर नगर परिषद में लापरवाही देखने को मिली, जहां एक बार फिर जाम की स्थिति निर्मित हो गई है। इस बार जाम में एम्बुलेंस एक घंटे तक फंसी रही। उसमें पेशेंट मौजूद था, किंतु जगह नहीं होने के कारण एम्बुलेंस को निकालने में काफी परेशानी हो रही थी। जैसे तैसे कर ट्रैफिक क्लियर करवाया और जाम में फंसी एम्बुलेंस को जाने के लिए रास्ता दिया गया, किंतु यह स्थिति हर बार निर्मित होती है। लेकिन नगर परिषद के अधिकारी जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है। कितने समय से आप खड़े हो यहाँ? 20 मिनट हो गए हमको यहाँ आते 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 आते। यानी ट्रैफिक मतलब 15-20 मिनट से ट्रैफिक लगा हुआ है। हाँ। कहाँ से लाया पेशेंट को? लाया टोंडी से। क्या नाम आपका? वही तो हो रही है कि साइड पटरा नहीं है। साइड पटरा नहीं होने के कारण पूरा ट्रैफिक जाम लग रहा है। इसमें देखो आपकी एम्बुलेंस भी एक घंटे से एम्बुलेंस ट्रैफिक के अंदर खड़ी है और पूरा जाम ही लगे हुआ है। ये साइड पटरिया नहीं बना रहे, इसके कारण पूरी दिक्कत हो रही। नगर परिषद जो है तो इतनी लापरवाही कर रही है कि नगर परिषद ध्यान ही नहीं दे रही है। कभी भी ये रोड पे इतनी दुर्घटना हो सकती है कोई भी वाहन की कि किसी का भी। कि यहाँ पर साइड पटरिया नहीं है तो हमने दरखास्त भी लगाए हुए 2 बार, तो कोई इसकी सुनवाई हो रही नहीं यहाँ पर। और सीओ में साहब बोलता है कि इससे कोई नुकसान होगा तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा? वो सीओ में साहब बोलता है। यानी साइड पटरी भरने से नुकसान होगा? नुकसान होगा बोले। और हम कहते साल भर से यहाँ पर साइड पटरी के लिए बोल रहे हैं। और उर्दू स्कूल के बाद भी हमने ब्रेकर का बोले कि भाई यहाँ पर कोई दुर्घटना आएंगी, तो सीओमओ साहब और अध्यक्ष साहब ये बोलते हैं कि बोले लिखित में तो बोले हमारे को कि कोई दुर्घटना हो जाए, जब तो कोई बच्चा मर जाए स्कूल का या कोई कुछ हो जाए तो